जब भी हम किसी शोनेन या सीनेन एनिम के बारे में बात करते हैं तो हमें लगता है कि उसका जो प्रोटैगनिस्ट होगा वो मेल होगा। हम सबको ये लगता है क्योंकि फीमेल प्रोटैगनिस्ट मोस्टली शोजो एनिमे के लिए बनी हुई हैं, शोजो मांगा के लिए बनी है, जो कि अट्रैक्ट करते हैं फीमेल ऑडियंस को। रिसेंटली कुछ ऐसे एनिमे आई हैं जो शोनेन और सीनेन एरिया में भी फीमेल प्रोटैगनिस्ट होते हुए भी काफ़ी हिट हो रही हैं और काफ़ी अच्छी स्टोरी लाइन के बाद हमको पसंद भी आ रही है। इनमें से एक एनिमे ऐसी भी है जिसने तो फुल मेटल एल्केमिस्ट को पार करके नंबर वन पॉपुलर एनिमे में आ चुकी है। मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे फ्री रन के बारे में, लेकिन ये वीडियो फ्री रन के लिए नहीं होने वाली है। ये वीडियो होने वाली है द एपथकरी डायरीज के बारे में। अगर मैंने सही प्रोनाउंस ना किया हो तो क्षमा करना। दोनों ही एनिमे में हमारी जो प्रोटैगनिस्ट है काफ़ी अलग अलग तरीके से अपनी पावर को दिखाती हैं। जहाँ पे फ्री रन में हमें देखने को मिलती है उसकी स्ट्रेंथ, तो मामा अपने दिमाग का बखूबी यूज़ करती है। दोनों ही प्रोटैगनिस्ट काफ़ी अच्छे हैं। एपथकरी डायरीज खुद 28 नंबर पे है माई एनिमे लिस्ट की मोस्ट पॉपुलर एनिमे में से। तो तुम सोच सकते हो कि इस एनिमे ने काफ़ी प्रभाव दिया होगा फैंस पर कि आज ये एनिमे इतनी फेमस हो रही है। बाकी कंट्रीज़ का तो मुझे पता नहीं, लेकिन इस वक्त पे जापान में ये एनिमे काफ़ी फेमस है। ना सिर्फ इसकी एनिमे की, इसकी मांगा भी काफ़ी फेमस है। बात करें इस एनिमे की एनिमेशन के बारे में, तो इसकी एनिमेशन की है OLM स्टूडियो ने। इस स्टूडियो ने काफ़ी ऐसे एनिमे को एनिमेट किया है जो हम अपने बचपन में देखते थे, जिसमें से बहुत सारी सीरीज़ तो बहुत मोस्ट पॉपुलर में से एक है, पोकेमॉन, इनाजुमा 11, बेब्लेड, योकाई वॉच। अगर हम अभी की बात करें तो कॉमिक आर्ट कम्युनिकेट एंड डार्क गैदरिंग। अगर तुमने डार्क गैदरिंग या फिर कॉमिक आर्ट कम्युनिकेट ही देखा हुआ तो मुझे लगता है कि तुम्हें इसकी एनिमेशन के बारे में तो पता ही होगा। और साथ में ही द एपथकरी डायरीज की भी एनिमेशन काफ़ी अच्छी दिखाई गई है, जहाँ पे इसका जो एनवायरनमेंट है वो हमें इंपीरियल चाइना से रिलेटेड दिखता है। यहाँ के घर, यहाँ की ड्रेसिंग, यहाँ की बोलचाल तो वैसे जापानीज़ में यूज़ की गई है क्योंकि जापानीज एनिमे है, लेकिन चाइना से रिलेटेड है, जहाँ पे तांग डायनेस्टी से रिलेटेड यहाँ पे दिखाया जाता है। तांग डायनेस्टी, अब मुझे उसके बारे में नहीं पता, मैंने हिस्ट्री ज़्यादा अच्छी नहीं पढ़ी है। बिना किसी टाइम वेस्ट के बात करते हैं इसकी स्टोरी लाइन के बारे में, जहाँ पे स्टोरी है हमारी माओमाओ के बारे में, जो कि एक फार्मासिस्ट की बेटी है, जहाँ पे अपथकरी यूज़ किया गया है यहाँ पे वर्ड। तो बात करें अपथकरी होता क्या है, तो अपथकरी उन्हें कहा जाता है जो कि ड्रग्स बनाते हैं और उन्हें बेचते हैं। बेसिकली ड्रग इज़ नॉट ड्रग, ड्रग डीलिंग वाला नहीं, मेडिसिन के रूप में हर्ब्स जो होते हैं वो। और माओमाओ को इसी वजह से हर्ब्स में और पॉइजन में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है और वो बहुत ज़्यादा पॉइजन भी पीना चाहती है, पता नहीं क्यों। और इसी वजह से माओमाओ जो है वो पॉइजन की भी आदी है, अगर वो पॉइजन पी ले तो वो मरेगी भी नहीं। तो हमें पहले एपिसोड में ऐसा देखने को मिला है कि उस वक्त पे सिटी में ऐसे र्यूमर्स थे कि लड़कियों को किडनैप करके उन्हें बेच दिया जाता था इंपीरियल पैलेस में, वो वहाँ पे एज अ सर्वेंट काम करती थी। इसी वजह से माओमाओ जो है वो काफ़ी चौकन्ना रहती थी और अपने आप को बदसूरत बतलाती थी। वो उतनी सी एज में उसको पता है कि एक लड़की की वैल्यू उसकी सुंदरता से देखी जाएगी, अगर वो सुंदर नहीं होगी तो उसको कोई भी नोटिस नहीं करेगा। हर्ब्स की तलाश में घूम रही थी और उसको कर लिया जाता है किडनैप, और जिसका उसको डर था वही हुआ, उसको एज अ सर्वेंट बेच दिया जाता है। मामा उस पैलेस में काम करती थी जहाँ पे सारी औरतें रहती थी, एक तरीके का हरम, और वहाँ पे किसी भी आदमी का आना अलाउड नहीं था, सिर्फ एम्परर वहाँ पे एंटर कर सकता था। मामाओं के कुछ एक्शंस की वजह से मास्टर जिनिची, जो कि वहाँ के रॉयल कोर्ट में काम करता था, वो एक हिन्यूज था, इसी वजह से वहाँ पे वो काम कर सकता था, उसकी नज़र पड़ती है माओमाओं पे। और जिनिची को माओमाओ काफ़ी यूज़फुल लगती है इसी वजह से, और वो उसको बना देता है पिंक हेयर कंसोर्ट की लेडी इन वेटिंग। क्योंकि माओमाओं को काफ़ी पॉइजन की जानकारी थी, इसी वजह से वो उसकी पॉइजन टेस्टिंग भी करती है खाने की। आगे चल के माओमाओ काफ़ी मिस्टीरियस केसेस को सुलझाने वाली है एज अ शेरलॉक होम्स, यही इसकी कहानी है। इस एनिमे का जनर है ड्रामा एंड मिस्ट्री, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से इसमें दिखाया गया है। हर एपिसोड में तुम्हें अच्छा खासा मिस्ट्री एंड ड्रामा देखने को मिलेगा, जिस तरीके से माओमाओ केसेस को सुलझाती है। ऐसा नहीं है कि वो केसेस को ही सुलझा रहे, कोई डिटेक्टिव वाली एनिमे ये नहीं है। अगर हम बात करें कैरेक्टर्स के बारे में, तो माओमाओ हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग विल्ड प्रोटैगनिस्ट के रूप में देखने को मिलती है। यहाँ तक कि सारे साइड कैरेक्टर्स भी इस एनिमे में काफ़ी वेल रिटर्न है। अगर हम सोचें तो एक इंपीरियल पैलेस की कंसोर्ट जो है वो कैसी हो सकती है, अब्यूसिव, थोड़ी सी ईगोइस्टिक, लेकिन यहाँ पे हमारे कैरेक्टर्स को कितनी अच्छी तरीके से दिखाया गया है। मेरे तो फेवरेट है वो पिंक हेड कंसोर्ट, कितनी अच्छी तरीके से हमारी माओमाओ को संभालते हैं और उसको सब पता है जिनिशी के बारे में और माओमाओ के बारे में, लेकिन वो फिर भी उनकी बहुत अच्छे तरीके से हेल्प भी करती है।
और अगर हम बात करें साइड के और कैरेक्टर्स भी काफ़ी अच्छे तरीके से उनको दिखाया गया है, काफ़ी सपोर्टिव साइड कैरेक्टर्स भी हैं जो कि माओ को अच्छे तरीके से एक्सेप्ट भी करते हैं। अगर ओवरऑल बोलूँ तो एनिमे काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, जहाँ पे हमें कहीं कहीं पर फनी ह्यूमर्स भी देखने को मिलते हैं और साथ में देखने को मिलते हैं माओ के इतने चिबी चिबी फेजेस, इतने क्यूट क्यूट फेजेस। हाँ, मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं उसके इतने क्यूट फेजेस लगते हैं। और बात करते हैं साथ में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ह्यूमन इमोशन, जी हाँ, जहाँ पे हमें कल्प्रिट के क्राइम के पीछे के कुछ ज़्यादा एक्शंस जो हैं वो हमें समझ में आते हैं कि वो क्यों कर रहा है, किसी कारण वजह से कर रहा है, बहुत ज़्यादा इमोशनली हमें टच भी करेंगे। और अगर बात करूँ इसके अलावा तो तुम देख सकते हो इसको ना सिर्फ अगर तुम फीमेल हो तो देखो, बल्कि तुम मेल हो के भी देख सकते हो, क्योंकि इसका जो जॉनर है वो भी शीनेन है। अगर मैं अपना खुद का कंक्लूजन दूँ तो एनिमे काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ना सिर्फ इसकी स्टोरी लाइन बल्कि इसके सारे कैरेक्टर्स, ना सिर्फ मेन कैरेक्टर्स बल्कि इसके साइड कैरेक्टर्स भी तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे, और साथ में इसकी स्टोरी लाइन, इसकी कैरेक्टर डेवलपमेंट, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो मेन कैरेक्टर है वो पहले से ही डेवलप्ड है, उसके अंदर पहले से ही बहुत ज़्यादा दिमाग है। वो तो देखने वाली बात है कि इसकी स्टोरी कहाँ लेके जाते हैं इसको। ऑलमोस्ट इसके 24 एपिसोड आने वाले हैं, इसके सीज़न 1 के 2 कोर थे जो अक्टूबर टू दिसंबर और जनवरी टू अप्रैल चलेंगे, तो देखना होगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में। द पत्थरी डायरीज़ देख लो जाके और अपनी एनिमे लिस्ट में इसको भी शामिल कर लो। बाय बाय।